बिहार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान के बेटे पर नल जल योजना की जांच किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार विधान परिषद के शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। मिश्रा ने बताया कि इससे पहले मुकेश सहनी का भाई सरकारी कार्यक्रम में पहुंच गया था। अब पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान का बेटा नल जल योजना का निरीक्षण करने लगा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए और मंत्री रामप्रीत पासवान को भी माफी मांगनी चाहिए। उठाने जा रहा हूं, एक तो कोरोना रिटर्न्स दोबारा हो रहा है, उस पर मेरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव है। कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि बिहार तक भी होली है, कई लोग पंजाब मुंबई महाराष्ट्र से बिहार आते हैं, तो कोरोना वहाँ बहुत तेजी से फैला है और सरकार यहाँ पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना से मुक्ति पा लिया है। इस पर मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया अभी परिषद में। और एक बहुत ही गंभीर मसला है, जो विभागवार बजट पर जो रोज बहस होती है उसमें रोज तीन चार विभाग का उल्लेख किया है। कल 17 मार्च को गृह एवं सामान्य प्रशासन पे बहस होना था, हम सब ने तैयारी की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लोगों की जान माल का नुकसान कैसा हो रहा है उस पर सवाल उठाऊंगा। रात में ही ये नया परिपत्र आया है विधान परिषद के सचिव महोदय का, जिसमें उन्होंने लिखित हम लोग को सुझाव दिया है और अपना निर्णय सुनाया है कि अब गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर कोई डिबेट नहीं होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो सरकार चाहती क्या है? नीतीश कुमार जी को आखिर किस बात का डर है? आखिर लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी? सब विभाग पर आपने चर्चा करा लिया, जब आपके विभाग की बाड़ी आई तो एक परिपत्र आ गया कि नहीं उस पर कल बहस नहीं होगी, सामान्य डिबेट होगा लेकिन गृह मंत्रालय पर चर्चा नहीं होगी। वहीं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने इस मामले में पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के साथ ही उनका बेटा गया था, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो कोई भी जांच कर सकता है। मामला ये है कि जब माननीय मंत्री साथे हैं तो उनके साथ कोई रह सकता है, माननीय मंत्री अगर नहीं है अकेले कोई जांच करता है, और अगर कहीं कोई अनर्थ हो रहा है और किसी के परिवार के आदमी अगर जांच ही कर लेता है, जनता को जस्टिस दिलाता है, तो ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जहां इस राज्य में परिवार के नाम पर ही राजनीति हो रहे हैं, परिवारवादियों की ही राजनीति चल रही है, उनको ये बोलने का कोई हक नहीं। तो आप मानते हैं कि सरकारी योजनाओं का जो है वो मंत्री कहते हैं उनका बेटा भी जांच कर सकता है? नहीं नहीं, माननीय मंत्री, कोई मंत्री के बेटा जांच नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं अगर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट रहा है, तो मंत्री का बेटा का, मंत्री का कोई समर्थक भी उसका जांच कर सकता है। वहीं कांग्रेस विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने सदन में बहस के एजेंडे से गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर डिबेट को हटाने पर सवाल उठाया है। मिश्रा ने कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध को देखते हुए इस विषय पर चर्चा जरूरी है। फोटो छपियों से मंत्री नहीं है, मंत्री का बेटा है, सरकारी अधिकारी लोग हैं, तो यह अपने आप में एक गंभीर प्रशासनिक विफलता है सरकार की। तो मैंने सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित किया कि यह कौन सी सरकार है, यह तो अंधेर गर्दी मचा रखा है क्या बिहार में? मंत्री का बेटा, मंत्री का भाई, मंत्री का परिवार कैसे किसी सरकारी योजना का उद्घाटन और निरीक्षण करेगा, किस हैसियत से करेगा? अगर नीतीश जी ने ऐसा आदेश दे रखा हो राज्य के जिला अधिकारियों को मुख्य सचिव के माध्यम से, तो बतावें सदन को, नए मंत्री का बेटा को भी वही अधिकार हमने दे रखा है। तो यह चीज़ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। यह खतरनाक इसलिए भी है कि क्या ये रूल ऑफ लॉ है, ये गुड गवर्नेंस थोड़ी है? ना ये रूल ऑफ लॉ है ना गुड गवर्नेंस है। बिहार में अंधेर गर्दी मचा रखी है भाजपा जदयू। हम मांग कर रहे थे कि यह अनुचित आचरण है, सरकार को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए उक्त मंत्री के खिलाफ और क्षमा मांगनी चाहिए राज्य की जनता से। सवाल है कि इसको फ्री कैसे कर दिया आपने? क्या क्या ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है? क्या आदेश जारी हुआ तो बताइए। ठीक है, मंत्री सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका बेटा ड्राइवर बनकर गया था, वो कहीं था नहीं, और इंजीनियर जो है वहां के उनको फंसाने के लिए इस तरह कार्रवाई किया गया। पूर्णिया के अधिकारियों का बयान भी छपा है। मुकेश सहनी के भाई के सरकारी कार्यक्रम में जाने का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब रामप्रीत पासवान के बेटे का नल जल योजना का निरीक्षण करने का मामला सामने आ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं सदन से गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर बहस को एजेंडे से हटाना भी गंभीर मामला है। उम्मीद है कि सदन इस पर विपक्ष की मांग को स्वीकार करेगा, ताकि सदन में राज्य में बढ़ते अपराध पर बहस हो और आम जनता को भी सारी तस्वीर का पता चल पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।